हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है गुरुजी क्लासेस में। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अगस्त 18 का वर्कशीट डिस्कस करेंगे, हिंदी का, जो कि दादी माँ से रिलेटेड है, कक्षा 7वीं में। तो इसमें हम पहला अंश पढ़ेंगे दादी माँ चैप्टर का, जो कि हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आसाम में आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन नहीं मिलते, चिंता में चिंता नहीं, अगन में चुड़ैल और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना तो सकता है, नहा धोकर बीमार हो गया लड़का, हल्की बीमार ने जा जाने मुझे क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ा ही, साथ में रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे बाद। तो इसमें हमें बता रखा है मौसम से, एक लड़का जो था वो मौसम में क्या करता है, जब बारिश का मौसम होता है तो गंदे झागपूर्ण पानी में नाचता है कूदता है, तो ना उसका जो वो बिखार हो जाता है, उसको वो बीमार पड़ जाता है और बहुत तगड़ा ज्वर उसे हो जाता है। तो आगे क्वेश्चंस, आषाढ़ का मतलब, आषाढ़ कौन सा महीना है, आषाढ़ कौन सा महीना होता है हमारा, आषाढ़ होता है हमारा, किसका महीना होता है आषाढ़ हमारा, वर्षा का, चैत गर्मी का, और अगहन किसका होता है, सर्दी का। लेखक बीमार कैसे हुए, लेखक कुआर के झाग वाले पानी में स्नान करने से बीमार हुए, लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या क्या खाते, लेखक की जगह अगर हमें ज्वर होता तो हम भी हल्का भोजन और स्वस्थ भोजन खाते। निम्न में एक वाक्य बनाओ, गंध से मुझे गुलाब से अच्छी गंध आ रही है अफसोस, तुम्हारी बीमारी को जानकर मुझे बहुत अफसोस है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग होने वाली सामग्री, चिड़ुआ पानी में भींगा हुआ धान और गुड़ की पट्टी, गुड़ और मूंगफली के दानों में बनी गज्जा। तो इस तरह से वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।